माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जहाँ पे आप एनिमल्स को मार सकते हो या तो उनको अपने पास रख के पाल के बड़ा कर सकते हो। माइनक्राफ्ट में अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हमने बचपन में देखे, जैसे कि वो वुल्फ को डॉग जैसे पाल सकते हो, अभी तो कैट भी आई है वगैरह वगैरह, सब आप देख लिया है। बट सबसे अच्छा एनिमल माइनक्राफ्ट में जो मैंने अभी जो डिस्कवर किया है वो था टर्टल, और हम आज उस टर्टल को पालने वाले हैं और उस टर्टल के साथ हमारी जो कथा है उसको हम साथ में रखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, नाम वेक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो कृपया डेटिंग ऐप्स पे अपना नया प्रोफाइल खोलेगा, बट अपना प्रोफाइल एज अ बंदी खोलेगा। फिर जब आप एज अ बंदी प्रोफाइल खोलोगे तो 3-4 नेचर के फोटोज वगैरह डाल देने का, अच्छे खासे बोलते ना एकदम क्यूट दिखने वाले, और रैंडम जो भी प्रॉम्प्ट आएगा उससे आपका जो बायो वगैरह उसको फिलअप कर लेना अपने डेटिंग ऐप पे। फिर जब लड़कों की लाइन लगेगी तो फटफट फटफट सबके साथ मैच कर लेना, और फिर जब लोग आपसे बात करने कहेंगे तो उनको बोलना आई विल ओनली टॉक टू यू इफ यू सब्सक्राइब टू वेक एंड वॉच इज लेटेस्ट वीडियो। जब वो बंदा मेरी लेटेस्ट वीडियो देखेगा और मेरे को सब्सक्राइब करेगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि भाई लाइफ को बहुत ज्यादा मीनिंग है और ये सब करने में उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए वो लाइफ में बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा। इसमें चैनल का नाम और आपका डेटिंग ऐप का प्रोफाइल दोनों बढ़ेगा। धन्यवाद। तो पिछले वीडियो में हमने एक आइलैंड को डिस्कवर किया था वीडियो के एंड पे, और आज हम उस आइलैंड पे जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम बेस को शिफ्ट कर सकते हैं। पहुंचने का मुझे दिखता है कि यहाँ पे 4 फर्नेस है, जो थोड़ा सा सस्पिशियस है क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो फिर पता चला कि वाइबी को बोर हो रहा था तो इसलिए उसने बैठ के यहाँ पे काम किया है। एंड बाय काम किया है आई मीन उसने जितने भी झाड़ है उनके जो पत्ते उनको जला दिया है और झाड़ जितना हो सके उतना काट लिया है। कितना काट लिया है? वेल, ये जो आपको पूरा एम्प्टी एरिया दिख रहा है ना, जो फुल भरा हुआ था घने जंगल से, ये बंदे ने उसको रातों रात काट दिया। साला 2 अनएम्प्लॉय लोग साथ में आके खेलते तो कितना प्रोग्रेस होता है। मैं आइलैंड एक्सप्लोर कर रहा था और तब मुझे दिखता है टर्टल। यस, इतना प्यारा टर्टल। एक्चुअली मैंने पहली बार टर्टल देखा माइनक्राफ्ट में, मैंने इसके पहले मेरे को पता भी नहीं था इसमें टर्टल है, तो मैं उसको वीट सीड्स देने का ट्राई करता हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि वीट सीड्स से टर्टल पाला नहीं जाता। 4th कक्षा में क्या कर रहा था मैं? एनीवे, अपेरेंटली आपको सी ग्रास करके एक चीज़ है, सी का जो ग्रास है उसको कट करना पड़ेगा, तो उसको काटता हूँ, मेरे को हाथ में कुछ नहीं आता, और फिर मुझे पता चलता है कि सी ग्रास को कट करने के बाद वो हाथ में नहीं आएगा, आपको उसको शीयर करना पड़ता है। ये क्या लॉजिक है? काटोगे तो भी हो ही जाएगा ना काम, मतलब काट के ही लोगों का काम होता है कुछ लोगों का। अनफॉर्चुनेटली इस क्यूट टर्टल को मेरे को टेम्पररीली बाय बोलना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। मतलब बोलते ना फर्स्ट टाइम आप मिलने के बाद आगे जब प्रोग्रेस होता नहीं है तो बहुत बुरा लगता है। मैं भी फर्स्ट टाइम किसी बंदी से एक लाइब्रेरी में मिला था जब मैं कॉलेज में था, और मैंने उसको जाके नॉर्मली बात की, बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं किया। मैं नॉर्मली बात की, मैंने उसको अपने सीएस के सारे असाइनमेंट्स दे दिए क्योंकि मैंने अज्यूम किया वो सीएस में फर्स्ट ईयर में रहेगी। मुझे बोलती मैं 18 क्यों, और जिसको मैंने देखा मेरे को रियलाइज वो इतनी पतली है, मे बी वो अपना बोलते ना किलोस बता रही कितने किलो की है। तो मैं बोलता हूँ यार मेरे को बोलते ना ऐसा स्लिम शेमिंग शेमिंग क्या होता है वो करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं खुद पतला हूँ। एंड देन शी इज लाइक नहीं नहीं मैं एज बता रही हूँ। इस बात पे बिल्कुल भी हेल्प इस बात ने नहीं कि उसका बॉयफ्रेंड जो था वो भी 18 का ही था, बट वो देख के 18 का लग नहीं रहा था। और फिर मुझे पता चला कि कुछ लोग दिन में 5 अंडे ब्रेकफास्ट में ही खाते हैं, और उनके एक हाथ का जब गाल पे पड़ते तो वजन उतना ही है जितना मेरे पूरे अपर बॉडी का है। आउच, आई समटाइम्स वंडर मैं क्या स्टोरी बना लेता हूँ खाली वीडियो को रिटेन करने के लिए। एनीवे, वी कम बैक, आइजो भी आ चुका है, और फिर मैं डिस्कवर करता हूँ इस भाई साहब ने एक नया चीज बनाया वाइबी ने, जो है अ चिकन फार्म। वे बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, बोलते ना सारे चिकन आपके पीछे आते हैं। और बताओ शिनचैन का एपिसोड था जहाँ पे वो बोलते ना कबूतर वगैरह को दाना डाल रहे थे, कॉर्न वगैरह खिला रहे थे, और फिर उस कॉर्न को अपने डैश पे बांध देता है और वो फिर उन लोग वहाँ से काटते हैं, मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही थी। बट एनीवे मैं उनको दे देता हूँ स्पीड ये सीड खाने को ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके, और आपस में वो बर्ड्स एंड द बीज वाली बात होते हैं, तो आई गेस चिकन में क्या होगा चिक्स एंड द डिक्स में भी। जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत ज्यादा वर्स्ट नाइटमेयर होता है उस लड़के के लिए जिसने नया नया पॉइंट डिस्कवर किया होगा और उसको वीडियो दिखती है चिक्स विद डिक्स वाले। एंड नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि उसका जो थंबनेल था वो देख के तो ऐसा लग नहीं रहा था, एकदम सही लग रहा था। एंड यस, सबसे ज्यादा बुरी खबर इसमें ये नहीं है कि वो वीडियो था, सबसे ज्यादा बुरी खबर ये है कि उसके सेकेंड सीन में ही वो चिक्स विद डिक्स ने हमारे डिक्स वाले बंदे की ले ली। नो वंडर उसके बाद 1 महीने तक मैं पी हब में जा नहीं पाया। ये लाल चेहरा दिख रहा है, ये ऐसे ही डिक्टेटर वाला लाल चेहरा नहीं है, मेरे आंख के जो खून है ना उस टाइम पे जो निकली थी उसका लाल चेहरा है। नाउ हम निकलते हैं रात पे एक्सप्लोर करने, क्योंकि रातें होती है एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ इसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, अगर आप सिंगल लड़के आपके फ्रेंड्स के साथ रात को एक्सप्लोर करने जा रहे हो वो बात अलग है, अगर आप सिंगल लड़के जो घर पे बैठे हो वो आपके ऑरेंज एंड ब्लैक वेबसाइट की फीड को एक्सप्लोर कर रहे हो वो बात अलग है, और अगर आप एक ऐसे लड़के हो जो मिंगल होते हैं क्लब्स वगैरह में जाते हैं लड़कियों से बात करते हैं तो फिर देयर इज अ गुड चांस कि आप कुछ और एक्सप्लोर कर रहे हो। मैं आपके साथ रिलेट कर सकता हूँ, एंड नॉट बिकॉज मैं मिंगल होना चाहता हूँ, बट बिकॉज आप जो गुफा को एक्सप्लोर कर रहे हो वैसी हम भी एक गुफा को एक्सप्लोर करने यहाँ पे आए। नॉट एक्जैक्टली गुफा रिवीन वगैरह क्या होता है वो, बट आने के टाइम पे आइजो अनफॉर्चुनेटली मर जाता है, तो आई एम लाइक ओके ठीक है हम रुकते हैं आइजो आएगा। ये बंदा लेजिट 40 मिनट तक मैप पे गोल गोल घूम रहा था क्योंकि इसको एक्स और जेड कोऑर्डिनेट कैसे लोकेट करते वो पता नहीं है, और फिर जब मैंने 3 मिनट में इसको ढूंढ लिया तो मुझे पता चला ये बंदा हमारे बेस पे बैठा है क्योंकि इसको मिल नहीं रहा। कितना टाइम लेगा मैं
बाबा धनी राम डार्क लॉर्ड भी बोलते ना ब्लो हो जाता है क्रीपर से, विच इज काइंड ऑफ आयरोनिक क्योंकि सबसे लीस्ट एक्सपीरियंस बंदा मैं ही हूँ और मैं यहाँ पे अभी तक मना नहीं हूँ। तो गाइज ये हेड्स अप, आई एम द बेस्ट प्लेयर ऑफ माइनक्राफ्ट एवर। हम लोग नीचे उतरते थ्रू अ वाटरफॉल, जिसको मैं बिल्कुल भी वाटरफॉल के थ्रू नहीं उतरता, मैं एक ब्लॉक पानी पे गिरता हूँ एंड एवरीबडी नोज कि एक ब्लॉक पानी पे गिर के कुछ होता नहीं है, चुल्लू भर पानी में डूब के कोई मरता नहीं है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं चाहिए। लेट्स एक्सप्लोर दिस डैम रिवीन। रिवीन पे बहुत कुछ मिलता है, हमको ब्लैक कोल मिलता है, वे लगे इन ब्लैक कोल, तो इसलिए हम लोग उसको माइन करके निकाल लेते हैं। हमको मॉब स्पॉनर करके कुछ तो मिलता है, फिर मेरे को पूछ तो क्या है, तो पता चलता है कि यहाँ पे स्पिनर स्पॉन होते हैं, मतलब अगर जॉम्बी का मॉब स्पॉनर है तो वहाँ पे जॉम्बी स्पॉन होगा उसकी वजह से, जो बहुत ज़्यादा कूल है बट हम उसको उठा नहीं सकते, जो सैड है। हमको आयरन मिलता है, हमको कुछ पर्पल स्टफ मिलता है जिसको मैं बहुत मेहनत से माइन करता हूँ, फिर भाई भी बोलता है वो कुछ काम का नहीं है। हमको एक ब्लू कलर का सफेद जैसे दिखने वाला चीज़ मिलता है जिसको लैपिया बोलते हैं, हमको रेड कलर का चीज़ मिलता है जो रूबी जैसे दिखता है जिसको रेड स्टोन बोलते हैं, और फिर हमको मिलती है ये जगह। ये बहुत ज़्यादा कूल जगह है, यहाँ पे ये ना बेरीज होती है जो एकदम ग्लो करती है, मेरे को पता नहीं इनका नाम क्या, बट हम इनको नींबू बुलाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एंड ये सब एक्सप्लोर करने के टाइम पे ना मेरे को रियलाइज हुआ कि साला जब मैं छोटा बचपन में था माइनक्राफ्ट खेलता था तब मैं कन्फेशन करना चाहूँगा कि मैंने कभी सर्वाइवल तो किया ही नहीं होगा, एक्सप्लोर तो किया ही नहीं होगा। मैं जब भी खेलता था मैं क्रिएटिव में नई नई चीज़ें बना के बोलते ना, वो हाउस वगैरह बनाना वो सब मुझे ज़्यादा पसंद था क्योंकि मेरी फटती थी जेन्युइनली, बट जब मैं अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ इतनी अच्छी सुंदर जगह को, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार दोस्तों के साथ ये सब एक्सप्लोर करने में जो मज़ा है ना वो मतलब मिलने नहीं वाला। आप कितना भी कॉम्पिटिटिव गेम वगैरह खेल लो, 5v5 में रेज कर लो, वैलोरेंट वगैरह में, बट ये जो ऐसे टाइप की गेम्स होते हैं ना जिसमें आप एक्सप्लोर वगैरह करते हो, तो उसमें जो मजा है वो आपको और किसी गेम में शायद नहीं मिले। इवेंचुअली हम लोग एक माइन शाफ्ट टाइप चीज है जहाँ पे ट्रेन अबैंडन ट्रेन वगैरह वो मिलता है, और फिर हमको मिलता है हमारा पहला चीज, पहला डायमंड। इस डायमंड को मेरे को देता है, मैं इस डायमंड को आगे पास ऑन करता हूँ आइजो के पास क्योंकि हमको अचीवमेंट चाहिए, एंड वी हैव अचीव्ड नेशनल सक्सेस, हमको मिल चुका है एक हीरा। वेल बहुत सारे लोग ने मेरे चैनल को देख के भी यही बोला होगा कि आपको एक हीरा मिला, खुद के मुंह से तारीफ किया तो मेरे बोलते ना मेरे थूक पे मैं जोक होगा, ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं इनको बोलता हूँ मैं ना 10 मिनट में आया क्योंकि मेरे को खाना खाने जाना था और मैं वापस आता हूँ 10 मिनट बाद, और 10 मिनट में इन लोग लावा के बीचों बीच बैठ के कुछ तो कर रहे हैं, मेरी फटके हाथ में आ गई कि इन लोग क्या कर रहे हैं। फिर पता चला कि अगर आप एक जगह पानी डालते हो और पानी बहता रहेगा और पानी बह के लावा में गिरेगा तो वो ऑब्सीडियन करके किसी में तो कन्वर्ट हो जाता है, और ये ऑब्सीडियन आपको नेदर पोर्टल बनाने में काम आता है जो आप नेदर में जा सकते हो, नेदर मतलब बेसिकली यहाँ का नरक। सेफ टू से मैं पूरे इसको एक ही बार में बोलते ना फुल स्वैग में कन्वर्ट कर देता हूँ विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस, कुछ भरा वो पड़ता नहीं है, डायरेक्ट जाके काम पे लगने का, और फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमको मिलते हैं डायमंड जो हम खुशी खुशी माइन कर लेंगे। जब तक आप गुफाओं को खोदोगे नहीं तब तक आपको डायमंड मिलेगा नहीं, फॉर सम रीजन ये बहुत गंदा साउंड किया, बट एनीवे हम अब जा चुके हैं फर्स्ट, जी हम फर्स्ट गए यहाँ पे, और हम एक रूल को ब्रेक करने वाले माइनक्राफ्ट का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। माइनक्राफ्ट के दो इंपॉर्टेंट रूल है, कभी भी नीचे डायरेक्टली माइन नहीं करने का और कभी भी ऊपर डायरेक्टली चढ़ने का नहीं। वेल हम वर्टिकली अपवर्ड चढ़ने वाले हैं, आप बोलोगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो नहीं, मैं जहाँ से माइन करता रहूँगा वहाँ से आइजो नीचे बोलते ना ब्लॉक्स लगाता रहेगा और हम लोग ऊपर चढ़ते रहेंगे। आप बोलोगे ऊपर से लावा गिरेगा, तो नहीं, फक यू सर, हमारे ऊपर बिल्कुल लावा नहीं गिरा और हम सेफली वहाँ पे अपने घर पर पहुँच गए हमारे चिकन से मिलने जिन्होंने अंडे लगाए हैं। वाह क्या बात है, और सो अभी भी मेरे को फॉलो करे तो मेरे को वही शिनचैन वाली फीलिंग आ रही है जो बहुत ज़्यादा वियर्ड फीलिंग है, बट एनी आई डोंट नो व्हाट टू से एनीमोर। मैं फाइनली सी ग्रास जमा करता हूँ और मैं जाता हूँ हमारे तुरतल के पास, और फिर मैं उसको बोलते ना लोअर करके अपने पास लेके आने जाता हूँ क्योंकि अगर आपके हाथ में सी ग्रास ला तो आपका पीछा करेंगे। मैं भूल जाता हूँ कि टर्टल कितने स्लोली आपके पीछे आता है, तो फॉर द नेक्स्ट फकिंग 15 मिनट्स मैं इस बंदे को बेस पे लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस पे मैंने उसको 15 सेकंड ने 999% पे बोलते ना इसको फास्ट फॉरवर्ड किया, ये इतना स्लो आ रहा था, मैं पानी डाल डाल के उसको आगे लेके आ रहा था ताकि वहाँ पर पहुँच सके, और वो फाइनली पहुंच जाता है, और फिर मैं उसके दूसरे बंदे को जितना ज़्यादा हो सके पानी से ही लेके आता हूँ क्योंकि साला मुझसे ना हो पाएगा यार, क्या फालतू के लिए कितना टाइम लेगा एक आदमी। एनीवे दोनों को हम लोग डाल देते हैं टब टाइप जिसमें, और मैं उस बंदे को बोलता हूँ टर्टल मेक श्योर टू स्क्वर्ट हर, उन लोग का काम हो जाता है, कांग्रेचुलेशंस वी आर गोना हैव एन एग। एनीवे हम लोग दूसरे काम पे लग जाते हैं जो है इन शीप्स को पीछा करवाना, जो बहुत ज़्यादा फनी था, लाइक वन ऑफ द फनीस्ट 10 मिनट जो था वो हमारा लाइफ का वो था, क्योंकि मैं बोट पे वीट पकड़ के बैठा हूँ और ये बेबी शीप्स मेरे ना पीछे आ रहे हो तैर तैर के आ रहे हैं, जो मजा आया ना देखने को, जो सीन था ना भाई लोग क्या ही बोलूँ मैं तुम लोग को। एनीवे अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है बैड न्यूज़ ये है कि वो टर्टल को एग्स ले करने के लिए वो किधर भी नहीं करेंगे, वो उधर ही जाके करेंगे वापस जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस है। तो जो मामा टर्टल है वो अपने बर्थ प्लेस के वहाँ पे जाते हैं, मैं उसका पूरा पीछा करता हूँ और मैं रुकता हूँ कि वो एग्जैक्टली करने क्या वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड, और फिर वो अचानक से कुछ तो खोदने लग जाती है,
की और टर्टल्स के जो सैंड है, जो बर्थ प्लेस वाला सैंड है, उसमें से सैंड बाहर आने लगता है एंड आई एम वे टू एक्साइटेड। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्योंकि मैंने पहली बार ये देखा था और जिस टर्टल को मैंने पाल उसके बड़ा किया बेसिकली वो टर्टल ने फाइनली एक अंडा लिए किया है। फाइनली द फैमिली इज कंप्लीट। मैं खुशी में कूद रहा था, हम लोग बोलते चलते हो चलते हो चलते हो क्या हुआ है, और हम लोग फटाक से एग को सिक्योर कर लेते हैं ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी इस एग को उठा ना सके, स्पेशली दैट फकिंग ब्लैक एंडरमैन बैक देयर, यू फकिंग एन वर्ड, स्टे अवे फ्रॉम माय एग। नाउ इसके बाद मैं 2 वीक्स अपने अंकल के मामा के घर पे गया था और वहाँ पे हम लोग 2-3 घूमने भी गए थे, तो इसलिए मैंने बोला कि मैं माइनक्राफ्ट ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंडे का ध्यान रखना, मैं एक लास्ट टाइम अपने अंडे को बाय बोलता हूँ, चेक करता हूँ कि अंडा फ्लोटिंग है, और फिर पता चलता है ये बंदा फ्लोटिंग टर्टल है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई फाइनली फ्लोटिंग टर्टल, कुछ तो मजा आने वाला है। और फिर मैं सर्वर को डिसकनेक्ट करता हूँ और मैं ज्वाइन करता हूँ 2 हफ्ते बाद। मैं स्पॉन होता हूँ और सबसे पहले मेरे को ट्विन टावर का दूसरा भाई दिखता है। अबे ये क्या है बे, इतना लंबा क्या है बे, ये कहाँ से आया? और फिर मुझे पता चलता है कि यस, ये इन लोगों ने खुद की मेहनत से अकेले बैठ के दोनों ने बनाया है, जो बहुत ज्यादा सही था, मेरे को अच्छा लगा सुन के, बट मेरा क्वेश्चन है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मुझे पता चलता है कि इन एन अनफॉर्चुनेट सेट ऑफ सर्कमस्टेंस जिस पे हमने सर्वर बनाया था, वो सर्वर के साइट ने हमारा सर्वर खा लिया, सब कुछ गायब हो गया और एकदम फ्लैट लैंड करके बोलते ना रीसेट हो गया बेसिकली सर्वर, तो इन्होंने न्यू सर्वर बनाया और 2 हफ्ते में इन्होंने इतना प्रोग्रेस किया है। यस, अलग अलग चेस्ट हॉपर्स क्या क्या नहीं, मैंने आज तक ये सब चीज़ें देखी भी नहीं है। स्केलेटन हॉर्स, 2 स्केलेटन हॉर्स है इनके पास, एंड इन एन अनफॉर्चुनेट सेट ऑफ सर्कमस्टेंस हमारे दोनों टर्टल मारे गए। रेस्ट इन पीस टर्ट एंड स्क्वर्ट, जी हाँ ये उनका नाम है। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो में हम लोग ये टावर को एक्सप्लोर करेंगे और आगे सर्वर को बढ़ाएंगे और फिर से हमारे टर्टल को ढूंढ के वापस लाएंगे। जी हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, तब तक अपने काम पे लगे रहे, पीस आउट।